हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे सो so, आज के इस वीडियो में हम जामिया मिलिया इस्लामिया से रिलेटेड कुछ अपडेट्स को देखेंगे बेसिकली आपके ही कुछ क्वेरीज हैं जिन्हें एड्रेस करने की कोशिश करेंगे सो so, देखिए जामिया की जो अपडेट आई हुई है या बेसिकली नोटिस है जो रिसर्च प्रपोजल से रिलेटेड और साथ में जो एक्जटेड कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनकी लिस्ट भी अवेलेबल है सो so, वो आप कहाँ से देख सकते हैं वो हम इस वीडियो में मिलनी डिस्कस करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जे एम पे विज़िट करना होगा इस वेबसाइट पर आप जब विजिट करेंगे सो स्क्रॉल करने के बाद यहां पे आपको ऑप्शन दिख रहा है पीएचडी एडमिशन रिजल्टेंगे तो ये इन वाला पोर्टल है, है, है तो डिपार्टमेंट anyway, so, so आपका जो भी डिपार्टमेंट हो जिसके लिए भी आपने अप्लाई किया है एलाइड में अप्लाई किया है तो भी और मेन में अप्लाई किया है तो भी ओके okay, अपने डिपार्टमेंट स्पेसिफिक देख लीजिएगा जैसे डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश है ओके इसके बाद यहाँ कैप्चा कोड है लेट मी एंटर इट फर्स्ट उसके बाद हम इसे सर्च करते हैं सो ये सेंटर किया उसके बाद सर्च करेंगे तो ये थ्री ऑप्शन आपको दिखेंगे ओके okay, बॉटम में सो so, फर्स्ट जो दो है नोटिफिकेशन वो आपको ट्वेंटी सिक्स जुलाई देते दिख रहा है और एक दिन बाद ट्वेंटी सेवन्थ को आई है लिस्ट एग्जेम्ट कैटेगरी के कैंडिडेट्स की सो so, पहले हम नोटिस देखेंगे ओके सो फर्स्ट है नोटिस और ये सारे डिपार्टमेंट्स के लिए सेम है यही है नोटिस जो रिसर्च प्रपोजल से रिलेटेड है देन है एंट्रेंस टेस्ट बेस्ड लिस्ट और उसके बाद लास्ट है कैटेगरी की लिस्ट तो so, चलिए पहले नोटिस ही ओपन करते हैं और फिर हम ओपन करेंगे एग्जेम ंड्रेड कैटेगरी के लिस्ट सो यस ट्वेंटी सिक्स जुलाई डेटेड है ये नोटिस आप देख सकते हैं सो कैंडिडेट्स प्रोविजनली कॉल्ड फॉर इंटरव्यू इसमें कहीं भी मेंशन नहीं है कि सिर्फ जो हमारे एंट्रेंस टेस्ट बेस्ड कैंडिडेट्स हैं उनके लिए है इसमें सिर्फ इतना मेंशन है कि जो भी कैंडिडेट्स प्रोविजनली बोले गए हैं कॉल किए गए हैं फॉर इंटरव्यू ये नोटिस उनके लिए है ओके बट ऑब्वियसली एग्जेंटेड कैटेगरी की लिस्ट आई है उससे पहले ये नोटिस अवेलेबल था सो so इसलिए कन्फ्यूजनस है पहले इसे देख लेते हैं सो so देखिए जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं उन्हें अपने उन्हें अपने रिसर्च प्रपोजल को डिफेंड करना है दे आर रिक्वायर टू डिफेंड देयर रिसर्च प्रपोजल फॉर एडमिशन टू पी एच डी प्रोग्राम सो एंड सो डेट है जो कि बाद में नोटिफाई कर दी जाएगी और बाकी आप साइन इन करके एक बार चेक कर लीजिएगा कैंडिडेट्स कॉल फॉर इंटरव्यू आर फर्दर रिक्वायर टू सबमिट टेन कॉपीज ऑफ ब्रॉड रिसर्च प्रपोजल इन देयर रिस्पेक्टिव सब आई मीन डिपार्टमेंट एंड इन द डिपार्टमेंट ऑफ एलाइड सब्जेक्ट लेटेस्ट बाई फिफ्थ ऑफ अगस्त ट्वेंटी ट्वेंटी वन तो देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि आपको टेन कॉपीज सबमिट करनी है डिपार्टमेंट आपका जो मेन है उसमें भी एलाइड में अप्लाई किया है तो उसमें भी ओके okay, दोनों में आपको सबमिट करने हैं फिफ्थ ऑफ अगस्त से पहले आपको सबमिट करना है राइट right? सो so, ये थी इस पैराग्राफ की मेन इंपॉर्टेंट बातें और यस आई थिंक कि सबको ही करना है बट हाँ अगेन आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ आप अपने डिपार्टमेंट में कॉन्टैक्ट कर लीजिए मुझे कन्फ्यूजन हो या हम में से को, कोई भी कैंडिडेट हो उसे कन्फ्यूजन हो बट लॉस आपका ही होगा ना तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि एक बार आप अपनी तरफ से कॉन्टैक्ट कर लीजिए सो दैट आपको कन्फर्मेशन जाए अदरवाइज तो आप कंफ्यूज रहेंगे कि करना है कि नहीं करना है ओके okay? सो so, अगर सपोज कि करना हुआ तो आप लेट करेंगे और फिर फिफ्थ अगस्त तक नहीं सबमिट कर पाए सो so, इंटरव्यू में पार्ट आप नहीं ले पाएंगे शायद आई एम नॉट श्योर मैंने नहीं दिया जामिया इंटरव्यू सो so, आप एक बार चेक कर लीजिए कॉन्टैक्ट कर लीजिए कंसल्ट कर लीजिए अपने डिपार्टमेंट में और हाँ इसमें नहीं लिखा है कि आपको बाई पोस्ट भेजना है और नहीं इसमें सिर्फ इतना लिखा है सबमिट करना है सो so, अगर आप चाहें तो खुद जाकर सबमिट कर सकते हैं यही ज्यादा बेटर वे है क्योंकि अगर नहीं नहीं पहुंचा टाइमली सो so लॉस आपका है अगेन ओके सो आप सबमिट कर लीजिए बाकी कांटेक्ट कर लीजिए डिपार्टमेंट से आपको ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मिल जाएगी ओके लास्ट पैराग्राफ देखिए लिखा है एग्जैम्शन से रिलेटेड सो so, अगर ऐसा होता कि जब तक लिस्ट नहीं आएगी तब तक नोटिस नहीं माना जाएगा सो so ये नहीं लिखा होता ना सो so, इसलिए प्लीज़ इसको चेक कर लीजिए एंड द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग प्रूफ फॉर एग्जेम्पन कैटेगरी सो इफ़ यू आर देन आपको जो भी सर्टिफिकेट्स हैं वो ले जाने होंगे और एलिजिबिलिटी को प्रूफ करना होगा एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू ओके सो बाकी यहाँ इस पर्टिकुलर नोटिस में भी मैंशन है कि आप अगर सिलेक्ट हुए हैं सो यू आर एडवाइज टू कॉन्टैक्ट योर रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट फॉर मोर फॉर फर्दर डिटेल्स बेसिकली ओके सो येस लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है चेक कर लीजिए ना डिफ्रेंस क्या है सो पी और रिसर्च प्रपोजल में सो so, हमें लगता है सिनॉपिस रिसर्च प्रपोजल और एस ओ पी सब सेम है सो एक्चुअली सेम हमें इसलिए लगता है क्योंकि आपने कई यूनिवर्सिटीज़ में देखा होगा कहा जाता है भी पी एच डी इंटरव्यू से पहले एस ओ पी सब्मिट कीजिए कहीं पर प्रपोजल कहीं पर सनऑप्स तो so, इसलिए हमें लगता है सेम है बट थोड़ा डिफरेंस है वैसे तो यूनिवर्सिटी पर बेस है डिपेंड करता है उन्होंने किसे कंसिडर किया ओके एस ओ पी में मेनली आपने आई आई टीज में देखा होगा कि उसमें हमें जो प्रीवियस हमने वर्क किया एक्सपीरियंस है उसे भी इंक्लूड करते हुए हमें आगे का अपना प्रपोजल उन्हें समझाना होता है कि हम इस पर्टिकुलर फील्ड में रिसर्च करना चाहते हैं राइट बट रिसर्च प्रपोजल में सिर्फ हम फ्यूचर प्रोस्पेक्ट की बात करते हैं हमें क्या रिसर्च करना है जिसमें टाइटल होता है ऑब्जेक्टिवस क्या हैं आपके देन मैथडोलॉजी उससे पहले ऑब्वियसली इंटरव्यू होता, I mean, होता है आई मीन इंट्रोडक्शन होता है सॉरी सो इंट्रोडक्शन देन मैथडोलॉजी क्या फॉलो करेंगे ये सब आपको पता चलेगा लिटरेचर्स के रिव्यू से सो इसलिए लिटरेचर रिव्यू करते हैं कोई एक पेपर होता है ऑलरेडी पब्लिश जिसे हम कोट करते हैं मैंशन करते हैं कि ये फॉलो किया गया एक्सेट्रा देन जो रिसर्च गैप्स है कई बार हमें वो भी बताना होता है सो so, अगर पता हो तो बता सकते हैं आप कि क्या है रिसर्च गैप्स ओके और आप क्या कंसी किस पर्टिकुलर टॉपिक को थीम को टारगेट करने वाले और इम्प्लीकेशनस क्या हैं आपके प्रोजेक्ट के सो so, ये कुछ बातें होती हैं आई मीन रिसर्च के सो so, ये कुछ बातें होती है जो आपको इंक्लूड करनी होती है गूगल पे सर्च कर लीजिएगा यूनिवर्सिटीज़ के आपको प्रपोजल्स मिल सकते हैं परफार्मर्स मिल सकते हैं ओके सो ये कुछ थी अबाउट जामिया मिलिया इस्लामिया काफ़ी कोशिश करने के बाद फाइनली मैं ये वीडियो बना पा रही हूँ ड्यू टू सम यू नो कभी टेक्निकल इशूज़ हैं कभी आ, मेरा खुद की भी तो पीएचडी है सो so, उसके इश्यूज़ हैं सो एनी वेज आई रियली होप कि वीडियो हेल्पफुल रहा होगा आपके लिए अगर हाँ तो डू लाइक दिस वीडियो डू सब्सक्राइब द चैनल सो दैट इज़ इट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग